हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। देखिए, आज गार्डन में स्नेक प्लांट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। मेरे घर में 2 से 3 गमलों में स्नेक प्लांट लगा हुआ है। ये कई वैरायटी में होता है और ये प्यूरीफाई का काम करता है। तो इसको हमने घर के बाहर साइड पे लगा रखा है। अगर आप इसको अंदर भी लगाना चाहते हैं अपने रूम में, तो ये सरवाइव हो जाता है। ये बेचारा बहुत भोला सा होता है। ये 5 से 6 दिन में अगर इसको आप पानी ना दो तो भी ये सही रहता है। ये कनेर का पेड़ था, इसकी कटाई चटाई कर रखी है और अब इस पर नई पत्तियां आ चुकी हैं। तो मैं बात कर रही थी स्नेक प्लांट की। ये कई वैरायटी में होता है। इसको आप अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, अपने किचन में भी रख सकते हैं। ये इजी टू ग्रो है और इसमें कोई ना खाद की ज़रूरत होती है और ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र की। और ये मैंने गेंदे के फूल की माला सुखा रखी थी। जब ये बिल्कुल फूल कोई सूख जाता है तो उसी को यूज़ करती हूँ। सूखे हुए फूल से ही आप अपनी नए पौधे बना सकते हैं। अगर फूल गीला है तो उसको अभी मत तोड़ के डालिए। और ये कल मैंने जो फॉइल पेपर के रोल से 2 वास बनाए थे, वो मैंने यहाँ अपनी इस दीवार पे लटका दिए हैं और उसमें पर्पल हार्ट लगाया है। आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये मैंने कैसे बनाया है। ईजी है बहुत बनाना। आप ज़रूर कोशिश करें अगर आपके पास फॉइल पेपर का बचा हुआ रोल है तो। इसमें मैंने दोनों में पर्पल हार्ट लगा दिए हैं और एक जो क्रीम की शीशी थी उसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है। ये देखिए, जेड प्लांट लगाया है क्योंकि पर्पल हार्ट पे तो वैसे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो पानी हल्के से ही ये सरवाइव कर जाता है। अब मेरी कुछ वर्टिकल गार्डन की ये वॉल ऐसी लग रही है। आप बताएं कि आपको इसमें से सबसे अच्छा पीस कौन सा लग रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी कल वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ बताइए और कुछ कमेंट्स भी बताएं।